ये आपको सिर्फ 2000 रुपए में मिल जाएगा। आपको ये एप्पल का मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएंगे मेरे पास में, डेल का है, एसर का है, एचपी का है, चार्जर और बैग आपको फ्री आने वाला है। मेरे पास में ज्यादातर आपको डेल एचपी लेनोवो मिलेगा और सारा कमर्शियल मॉडल मिलेगा, ये 5000 रुपए से मिल जाएगा, ऑल इन वन मिलना शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप पर मंगला रो कैसे आप लोग, आज मैं आपको लेके आया हूँ आपके पसंदीदा प्रोडक्ट दिखाने। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक लैपटॉप की बहुत बड़े होलसेल शॉप पे, जो की डील करते हैं लैपटॉप में होलसेल में। और आज की वीडियो के थ्रू अगर आप लेना चाहोगे तो आपको लैपटॉप सिंगल पीस भी दे देंगे। कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अभी ये देखो, यहाँ पे काफी सारे लैपटॉप रखे हुए हैं, काफी सारी अलग अलग कंपनी के, डेल, एचपी, बाकी जितनी भी आती हैं, एप्पल की मैकबुक भी आपको मिल जाएंगी। तो सारी ही चीज इनके पास में अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। सिंगल पीस वाले लोगों को भी होलसेल प्राइस में अवेलेबल करा देते हैं। क्वांटिटी और मॉडल जैसे जैसे हम लेना चाहें वैसे सब मिल जाएंगे। चीपेस्ट प्राइस है, हाई क्वालिटी है, वही सारे प्रोडक्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसको भी दबाएं ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो इस तरह से देख सकें। नीचे मेरा इंस्टा का यूजर नेम आ रहा होगा, आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज यहाँ पे फटाफट से वीडियो। अभी हमारे साथ में भैया होंगे श्री कंप्यूटर से, तो सबसे पहले आप ये बताइए आप किस किस चीज में डील करते हैं। मेरे पास में आपको लैपटॉप मिल जाएगा, डेस्कटॉप मिल जाएगा, मॉनिटर वगैरह मिल जाते हैं, कीबोर्ड, माउस या एलसीडी वगैरह जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिलता है। अगर किसी को खरीदना हो तो आपसे कैसे खरीदा जा सकता है? आप फोन पे पता कर लेना, आप यहाँ पर आना पड़ेगा ऑर्डर करने के लिए। ऑनलाइन आपको अगर चाहिए तो पूरा पेमेंट एडवांस करना पड़ता है। इनके पास खरीदने के दो तरीके हैं जैसा भैया ने बताया, या तो आप इनके एड्रेस पे आके ले सकते हो, वरना डिलीवरी कराना चाहो तो पूरे इंडिया में कहीं भी डिलीवरी कर रहे हो, इंडिया में डिलीवरी हो जाती है। शुरू करते हैं फटाफट से देखना चीजें आपके पास में। सबसे पहले बात करें शुरू दिखाने की प्रोडक्ट, तो कहां से शुरू करोगे आज आप? मेरे पास में आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको 15 इंची का डिस्प्ले होता है, ये आपको सिर्फ 2000 रुपए में मिल जाएगा। 2000 रुपए के अंदर में 15 इंची का डिस्प्ले आ जाएगा। वारंटी वगैरह कुछ रखते हो इसमें आप? टेस्टिंग वारंटी देते हैं यहां पर चेक करा के, बाकी ये है कि एक महीने पूरा टेस्टिंग वारंटी देते हैं। और लैपटॉप पे भी टेस्टिंग वारंटी होती है? वारंटी भी टेस्टिंग देंगे आपको एक महीने की, किसी भी तरह कोई शिकायत है तो लेके आ जाना, सही करके देंगे। उसके बाद एक्सटेंड वगैरह कराना चाहे तो हो जाता है, वो भी हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लैपटॉप देखना, स्टार्टिंग बताइए लैपटॉप की कहां से करा रहे हो इस बार? ये Pentium R का लैपटॉप होता है, 2GB रैम होती है इसके अंदर और 120GB हार्ड ड्राइव होती है। ये 5000 रुपए से मिल जाएगा, 5000 में आ जाएगा। किंगपैड रहता है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप चाहिए जिनसे हम काम वगैरह भी कर सके तो वो इस टाइप के लैपटॉप आ जाएंगे आपके पास? हां, ये आपको Cotodu में मिल जाएगा। Cotodu का एटम प्रोसेसर होता है, 2GB रैम, 160GB हार्ड डिस्क, तोशिबा कंपनी में आने वाला है, तोशिबा के अंदर में है और कंडीशन काफी अच्छी मिल रही है जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं। मिनी लैपटॉप बोलते हैं इसको। ये आपको 7500 रुपए के रेट में मिलेगा। उसके बाद में आपको Cotodu का रहता है, इसमें आपको 2GB रैम और 160GB हार्ड ड्राइव मिलेगी। डेल कंपनी का रहेगा, 15 इंची का डिस्प्ले है इसका। इसमें दो साइज आते हैं, 14 इंची चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। ये आपको 7500 रुपए में मिलेगा। उसके बाद में आपको i5 फर्स्ट जनरेशन रहती है, i5 फर्स्ट जनरेशन आपको 13500 से स्टार्ट हो जाएगा। 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क होगी। तो आप जो इसके अंदर में स्पेसिफिकेशन बता रहे हो ये फिक्स रहने वाली है? हम नहीं, आप एक्सटेंड कराना चाहते हो, 8GB रैम कराना चाहते हो या 6GB रैम कराना चाहते हो, 500GB हार्ड डिस्क, वो सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उससे आगे देखते हैं, उससे भी हाई प्रोसेसर वाले लैपटॉप चाहिए तो वो भी हो, कौन कौन से इनके बारे में बताइए? मैं सब दिखा देता हूँ आपको। ये i3 का फर्स्ट जनरेशन रहेगा, ये 4GB रैम, 320GB, ज्यादातर मैं वही बताऊंगा आपको। 4GB 320 वाले एक्सटेंड कराना चाहोगे तो उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। अच्छा, ये आपको मिलने वाला है 12000 रुपए का। फिर इसके आगे आ जाते हैं लाइट बुक रखी हुई है HP में, देख लो आप। HP में i5 प्रोसेसर के साथ में है, 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क, ये भी आपको 13500 रुपए मिलेगा। इनके साथ क्या क्या देते हो जो? इसके साथ में आपको चार्जर मिलेगा और बैग मिलेगा, चार्जर और बैग आपको फ्री आने वाला। आगे आ जाते हैं, उसके बाद में देखो जनरेशन है ये आपका i5 सेकंड जनरेशन, ये आपको विप्रो कंपनी में बिल्कुल फ्रेश मॉडल है, ये आपको मिल जाएगा 13500 रुपए में। फिर आ जाते हैं और आगे, अब ये आ जाता है HP का i3 का थर्ड जनरेशन, इसमें आपको 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क मिलेगी, कंडीशन आप देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 14000 रुपए। फिर आ जाते हैं आगे, इसके बाद में डेल का लैटिट्यूड मॉडल है i5 का सेकंड जनरेशन, 4GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क है, वही आपका मेटल बॉडी में रहने वाला है, मेटल बॉडी वाला आ जाएगा डेल के अंदर, वो भी ये आपको मिल जाएगा 15500 रुपए का। अभी अगर आपको और अच्छे कलेक्शन चाहिए लैपटॉप का, अच्छी तरह से काम करना चाहते हो, वो वाले लैपटॉप भी होते हैं ना, तो अभी आपने कुछ रेंज रखी हुई है ये बताओगे एक बार? ये i5 थर्ड जनरेशन है, अच्छा, डेल कंपनी का, 13.3 इंच में है, ठीक है, 13.5 इंच बोलोगे चलेगा, ठीक है, डेल कंपनी का ये, 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क, ठीक है, आपको 16500 रुपए में पड़ेगा, 16500 में i5 थर्ड जनरेशन वाला लैपटॉप, सही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं और आगे, डेल के अंदर में i3 फोर्थ जनरेशन रहेगा। अच्छा, i3 फोर्थ जनरेशन, अच्छी खासी गेमिंग वगैरह भी चलेंगी इसमें और काम भी पूरा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क इसके अंदर, ये आपको मिलेगा 18000 रुपए का, 18000 रुपए के अंदर में। और कंडीशन देख सकते हो, पूरा रैप वगैरह अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है इन्होंने सभी आइटमों के ऊपर में। इसके आगे आ जाते हैं फिर ये वाले लैपटॉप की बात, उसके बाद में आपको AMD प्रोसेसर मिल जाएगा, 7 जनरेशन का लैपटॉप है, 4GB रैम है इसके अंदर, 500GB हार्ड ड्राइव है, ठीक है, HP कंपनी का रहेगा, ठीक है, कंडीशन आप देख लीजिए, बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल वही जो बताया था चेक करा के, पूरा
क्या रेट रखा हुआ इसका? ये आपको मिलेगा 18,500। बहुत सही रेट रख दिया, 18,500 में ऐसे लैपटॉप मिलते नहीं है ना। फिर आ जाते हैं और आगे। अब ये देखो i3 का 6th जनरेशन लैपटॉप, सही है। i3 6th जनरेशन में आपको 4GB रैम और 256GB SSD के साथ में मिलेगा। अच्छा, SSD भी मिल जाएगी है? ठीक है, 4GB रैम, 256GB SSD, i3 6th जनरेशन, ठीक है। ये आपको जाने वाला है 25,000 रुपए का। ओनली 25,000 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। काफी अच्छे काम का है, आपको बैग में रख के इजीली घूमो, है ना। स्लिम लैपटॉप है, बिल्कुल लाइट वेट में, 25,000 रुपीज में। हाँ जी। और स्क्रीन भी अच्छे से रोटेट वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। फिर आ जाते हैं यहाँ पे लेनोवो थिंकपैड। लेनोवो थिंकपैड ये आपको i5 4th जनरेशन में मिलने वाला है। अच्छा, 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव रहेगी, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 22,000 रुपए का। 22,000 रुपए का। और यही लैपटॉप अगर नए में लेने चाहे, स्पेसिफिकेशन कितने का आता? कम से कम 72,000 रुपए का लैपटॉप है ये। कम से कम 70,000 मान लो। कम कोई से भी कम मॉडल है, मॉडल नंबर आपको बता दूंगा, आप सर्च कर लेना गूगल पे, उसका नए का भी और रिफर्बिश का भी, दोनों का रेट आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये वाले कौन से लैपटॉप होते हैं? ये कमर्शियल लैपटॉप होते हैं, कमर्शियल लैपटॉप होते हैं, ऑफिस वर्क करने वाले लैपटॉप होते हैं। आपको चार पांच घंटे वर्क करो, कोई हैंगिंग नहीं, हीटिंग नहीं, ठीक है। तो लैपटॉप खरीदना है और 50-60 हजार बचाने, तो आप श्री कंप्यूटर पे आ सकते हो। भरोसे के लैपटॉप होते हैं, एक महीना टेस्टिंग वारंटी रहती है, सही है। फिर और आगे आ जाते हैं डेल के अंदर। डेल में लैटिट्यूड मिल जाएगा आपको i5 का 5th जनरेशन। अच्छा, ये आपको 4GB रैम और 500GB हार्ड ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देख लीजिए, बिल्कुल स्लिम लैपटॉप है ये भी, सही है। ये जाएगा आपको 24,000 रुपए का। ओनली 24,000 रुपीज के i5 5th जनरेशन, सही है। ये आपको HP में मिल जाएगा, एलाइट बुक है, बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम लैपटॉप है, देख लीजिए, बिल्कुल ये पतला लैपटॉप है, प्रोफेशनल वाली आइटम है ना। ये आपको 4GB रैम और 256GB M.SSD में मिलेगा आपको, बहुत अच्छी सिल्वर बॉडी में, पूरा ही मेटल बॉडी में, ये पूरा ही मेटल बॉडी में, और एक भी स्क्रैच नहीं। एक बार इसकी पन्नी उतार के दिखा दो, अगर दिखा सको तो। आप पन्नी तो आप चेक कर, सिर्फ डस्ट की वजह से लगा के रखते हैं। अच्छा, ये देखिए, मतलब एक स्क्रैच नहीं है, ऐसा लग रहा है नया बॉक्स में से निकाला गया हो, ठीक है। ये आपको 28,500 रुपए का मिलेगा, 28,500 में, और लाख से ऊपर का नहीं। अब आपको कुछ और भी यहाँ पे शुरू करते हैं लैपटॉप दिखाने, और अच्छे प्रोसेसर के साथ, है ना। बहुत से कस्टमर की डिमांड होती है, भैया 15 इंची डिस्प्ले में चाहिए, न्यूमेरिकल की वाला, तो ये आपको i5 का मिल जाएगा। i5 में आपको ये 15 इंची का डिस्प्ले है, 4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ में, ठीक। ये आपको मिल जाएगा 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए के अंदर में फुल साइज कीबोर्ड के साथ आ जाएगा, बड़ी स्क्रीन है ना। लैटिट्यूड है, कमर्शियल मॉडल एकदम, देख लीजिए आप, मेटल बॉडी में। इसके बाद में इसी का सेम मॉडल जो मैंने आपको i5 में दिखाया, इसी का सेम मॉडल आपको i7 में मिल जाएगा। अच्छा, i7 का ये भी 4GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क में मिलेगा ये भी। ये आपको 20,000 रुपए का मिल जाएगा, 20,000 में। तो ये उन लोगों के लिए जिनको बड़ी साइज स्क्रीन चाहिए, न्यूमेरिकल कीबोर्ड मिल जाएगा, फुल साइज कीबोर्ड जिसे बोलते हैं। फिर एक और भी ये भी रखा हुआ है। उसके बाद में कस्टमर मांगते हैं भैया बड़े साइज में आपको ग्राफिक कार्ड वाला भी चाहिए, तो ग्राफिक कार्ड वाला है, इसमें 4GB इनबिल्ट ग्राफिक है, NVIDIA का ग्राफिक मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 8GB रैम के साथ में i7 4th जनरेशन मिलेगा। i7 4th जनरेशन में 15 इंची का डिस्प्ले है, डेल कंपनी का है, ठीक है, ठीक है। और रैम और हार्ड ड्राइव की बात करें, 8GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है इसके अंदर, ठीक है। और कितने में देते हो अभी आप? ये जाएगा आपको 28,000 रुपए, 28,000 रुपए के अंदर में। पर ये मॉडल का वो है रेट है, जो है वाली क्वालिटी आएगी। हाँ, ये अभी i7 4th जनरेशन है, इसमें आपको i5 4th जनरेशन चाहिएगा तो 22,000 का मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये i3 का 5th जनरेशन रहता है, ये थोड़ा सस्ते में हो जाएगा आपको, 18,000 रुपए का लैपटॉप है, लेनोवो कंपनी का है, ठीक है। i3 का 5th जनरेशन, 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव, स्लिम पीस है ये भी, कोई ज्यादा मोटा नहीं है, 18,000 रुपए, ठीक है। ओनली 18,000। फिर और आगे आ जाएंगे, अब आ जाइए आपको i5 का 6th जनरेशन रहेगा, ठीक है। सारी जनरेशन ही है ना, जितनी भी जनरेशन देखो, जो भी है लेटेस्ट सेकंड हैंड में आपको मिल जाएगी। इसकी स्पेसिफिकेशन ये आपको मिल जाएगा, 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ, 4GB रैम, 500GB की हार्ड ड्राइव आ जाएगी। i5 का 6th जनरेशन रहेगा, ये 28,500 रुपए का रेट है इसका, सही है। और वेबकैम वगैरह सब वर्किंग कुछ है ना, HD वेब है इसका। उसके बाद में डेल का लेटिट्यूड आएगा i5 का 7th जनरेशन, i5 7th जनरेशन में आपको ये 4GB रैम, 256GB SSD के साथ में है, सही इसका है। इसका प्राइस जाएगा आपको 35,000 रुपए, ओनली 35,000 रुपीज के अंदर इस टाइप का आ जाएगा। हाँ जी। तो काफी अच्छे प्राइसिंग है, जितनी भी आपने चीजें देखी, इन दोनों के प्राइस अगर आप पूछोगे तो 1,00,000 से ऊपर के प्राइस है, 1,35,000 रुपए, 1,49,000 रुपए। अच्छा, गूगल पे सर्च कर सकते हो मॉडल नंबर के साथ में, आपको प्राइस पता चल जाएगा नया कितने का। हमने विंडो वाले लैपटॉप दिखा दिया, अगर बात करें मैकबुक वगैरह की, मैकबुक में अभी मैं फिलहाल तो मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ, ये आपको मैकबुक प्रो
ठीक है। मैकबुक प्रो में ये i5 का थर्ड जनरेशन है। कौन सी ईयर वाली है? 2012 का रहेगा। 2012 की आ जाएगी मैकबुक प्रो। क्या प्राइस रखा हुआ है? ये जाएगा आपको 26,500 रुपए। 26,500। और इसके बाद की भी अगर मैकबुक चाहिए, इसमें मैकबुक एयर चाहिए आपको, एयर मिल जाएगा, वो ही एयर के हिसाब से आता है। आपको 2012 चाहिए तो वो 35 का मिल जाएगा, 2013 का चाहिए 36 का मिल जाएगा। कहाँ तक के मॉडल आए मेरे पास में? 2016 तक का मिल जाएगा। ठीक है, 2016 तक के आपको सारी मैकबुक प्रो और एयर दोनों अवेलेबल करा दूंगा। प्रो में तो आपको 2014 तक मिलेगा मेरे पास। अच्छा, और एयर में? एयर में 16 तक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप दिखाया, इसके बाद आपने कहा था सीपीयू मिल जाते हैं आपके पास में? सीपीयू मिल जाएंगे मेरे पास में। आपको देखो सीपीयू रखे हैं डेल वगैरह के, डेल का है, एसर का है, एचपी का है। ये स्टार्टिंग प्राइस है, कोटूडू का रहता है, 2 GB रैम, 160 GB हार्ड डिस्क। आपको इसमें 4 GB कराना है या और भी स्पेसिफिकेशन बढ़ानी है तो वो बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या रेट से शुरू है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 GB रैम, 160 GB हार्ड डिस्क के साथ में कोटूडू का पूरा डेस्कटॉप बता रहा हूँ, LCD के साथ में। ये अच्छा, 6,500 रुपए का पूरा सेट पड़ता है। पूरा सेटअप आपको 6,500 का आ जाएगा, जिसमें मॉनिटर, सीपीयू वगैरह, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ रहेगा, पूरा सेट रहेगा। आपको इसमें मॉनिटर नहीं लेना चाहते हो तो मॉनिटर की जो भी कीमत होती है वो कम हो जाएगी। सही है, ठीक है। फिर लेटेस्ट वाले भी रखे हुए अपने यहाँ पे कुछ? लेटेस्ट में जैसे कि ये i3 होता है, बिल्कुल स्लिम बॉडी है। ये देखिए, आपको सारे दिखाते हैं यहाँ पे। i3 सेकंड जनरेशन है, 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड ड्राइव है इसके अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है? हाँ, बढ़ा सकते हो आप, कम कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर रैम को और हार्ड ड्राइव को चेंज करा सकते हैं, प्रोसेसर चेंज नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर और आगे आ जाते हैं। उसके बाद में आपको i5 का थर्ड जनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल टीनी डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, छोटा स्लिम पीस होता है। तो सारे लेटेस्ट वाले हैं ना, ऊपर आप LCD रख के इसमें काम कर सकते हो। अच्छा, जगह भी ज्यादा नहीं लेगा। ये आपको i5 का थर्ड जनरेशन मिल जाएगा। सही है, तो काफी अच्छी चीजें रखी है। अपडेट में चाहिएगा तो अपडेट में देख लो, i3 का फोर्थ जनरेशन रहेगा, ये भी HP का ही है। तो इसकी सारी प्राइस रेंज जाननी हो तो आपसे कैसे जान पाएंगे? कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर तो दिया हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है मैं ज्यादा प्राइस बताऊंगा उसमें फिर डिस्प्ले 15 इंची, 19 इंची, 17 इंची, 24 इंची, डिस्प्ले के साइज के अलग 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 प्राइस रहेगा। सही है, मैं पूरा प्राइस आपको सेट करके बता दूंगा। अब इसमें अपडेट रहता है, ये देखो i3 का 6th जनरेशन। सही है, i3 का 6th जनरेशन, 4 GB रैम और 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ में, बहुत अच्छे। फिर i3 का 4th जनरेशन डेल कंपनी में आ जाएगा आपको, और i5 का 4th जनरेशन। तो सारे ही आ जाएंगे कुल मिला के, और भी अलग अलग पीस में। इसमें भी आपको 6th जनरेशन, 7th जनरेशन चाहिए तो वो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, और भी देखिए कुछ कुछ नीचे भी पीस रखे हुए हैं, तो सारे लेटेस्ट ही रखे हुए हैं ना। और ये देखो भाई, इतना सारा स्टॉक है इनके पास में जैसा आपने देखा। अब बात करते हैं कुछ ऑल इन वन भी रखे हुए हैं आपने यहाँ पे। ऑल इन वन में मिल जाएंगे आपको, देखो ऑल इन वन में सस्ता जो ब्रांड होता है मेरे पास में, ये आपको व्यू पार्कर का मिल जाता है। ये हमेशा रहता है मेरे पास में क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल ये असेंबल्ड पीस है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें आपको सेलरोन प्रोसेसर मिल जाएगा, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड ड्राइव के साथ में। ये कीबोर्ड माउस के सबके साथ में आपको 8,500 रुपए का रेट मिलेगा। ये देखिए 8,500 से ऑल इन वन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर बात करें इस तरह के, उसके बाद में ये आपको लेनोवो का मिल जाएगा i5 प्रोसेसर में। लेनोवो में i5 प्रोसेसर, 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क विद कैमरा रहेगा, कैमरा सी के अंदर अटैच है। अच्छा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 12,500 रुपए का। उसके बाद में आपको ये एप्पल का मिल जाएगा, एप्पल में ऑल इन वन रहता है, कोटूडू रहता है। सही है, लेकिन इसमें मैंने विंडो 10 डाल के रखी हुई है। ठीक है, विंडो 10 के साथ में ये आपको 19,500 रुपए का मिलेगा। और अगर कोई मैक ओएस के साथ चाहता है, ओएस के साथ में चाहिए तो ओएस भी डाल के दे देंगे आपको। ठीक है, तो जैसा चाहो वैसा हो जाएगा। कीबोर्ड वगैरह देख सकते हो, कीबोर्ड आपको चाहिए बैकलाइट कीबोर्ड के साथ में, आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको सादे चाहिए हैं तो इसमें सादे भी हैं, डेल वगैरह के, एचपी के, सब कुछ मेरे पास में अवेलेबल। तो आपसे कोई ये माउस वगैरह भी लेना चाहे मिल जाते हैं सब कुछ? हाँ, लूज में अगर देखो सेकंड हैंड में माउस लेना चाहोगे तो सेकंड हैंड में माउस भी मिल जाएंगे। ये देखो, और इस तरह से बॉक्स पैक भी रखे हैं। न्यू ब्रांड चाहिए तो न्यू ब्रांड भी मिल जाएगा। सही है, तो काफी सारी आइटम होती है एक्सेसरीज के अंदर भी, जैसा इन्होंने यहाँ पे दिखाया। हाँ जी। तो हमने आपको यहाँ पे सारा मटेरियल दिखाया जो भी प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। फिर भी आपको कुछ जानना हो तो आपसे व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज प्रतीक कुमार, टाइम आउट।